बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर नाराज विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने एक बार फिर से आरोप लगाया है कि विधायक ने कहा कि बीजेपी को चला रहे नेताओं ने विधायकों से पैसे लेकर उन्हें मंत्री बनाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपनी जाति के लोगों को मंत्री बनाया है। विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि वे सारे सबूतों के साथ प्रधानमंत्री से मिलेंगे और उन्हें बिहार बीजेपी में चल रहे खेल से अवगत कराएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़ गए हैं। जी उत्कर्ष, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बीजेपी पर जो आरोप लगाया है उस पर बीजेपी के अन्य नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है? जी हाँ अलका, जिस तरह से बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में काफी देरी हुई, जिसके करीब 3 महीने बाद मुख्यमंत्री और जो बीजेपी के जो नेता हैं, आला नेता हैं, वो लोग बैठ के एक जो तैयारी बनाए, उसके बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसको लेकर काफी घमासान बीजेपी में ही मच गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के जो विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी ने खुद ही अपने प्रदेश अध्यक्ष पर एक संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि संजय जायसवाल अपने ही जाति के लोग को मंत्री बनाना चाहते हैं। उनका उत्कर्ष, ये बात संजय जायसवाल ने अपने जाति को मंत्री बनाया है, कहां तक सच्चाई है इस बात में? हालांकि जब ये संजय जायसवाल से ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये साफ तौर पर बेबुनियाद है। जो आला कमान है, जो लोग आला कमान में बैठे हैं, उन्होंने जो बताया उसको लेकर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जाके सीएम से बात किए और उनके बाद ही मंत्री को शपथ दिलाई गई। ये जो बातें ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानी कह रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, ऐसा संजय जायसवाल ने कहा। अलका जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।